आज को मैं ये वाला ड्रेस पहन के जाऊंगी, बाहर से दिखेगा। पर जूते क्या पहनो? क्यों, तेरे पास जो वन एंड ओनली जूते है वो पहन कर चली जा, वो मैच नहीं करेगा। तेरे पास जो हिला है वो दे दे। मेरी चीजों पे तेरी इतनी नजर क्यों है? और वैसे भी इस ड्रेस के साथ ग्लिटर वाला शू मैच करेगा, और ग्लिटर वाला शू तो मेरे पास नहीं है। ओह या, ग्लिटर है ना मेरे पास। और अगर आपको भी शू क्राफ्टिंग आइडियाज देखने आना तो फटाफट से वीडियो पे एक लाइक कर दो, और नए दोस्त कहीं मत जाना चाहते तो सब्सक्राइब कर दो। तो पहले अपना पुराना हील ले लो। अब हील के पीछे का जो पार्ट है यहाँ पे हम ग्लू लगा देंगे, और ग्लू लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ग्लिटर इसमें ऐड करते जाएंगे। अब ध्यान देंगे ऊपर की पार्ट की तरफ, मतलब यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे ग्लू, और ब्लू ग्लिटर से इसको हम कवर कर देंगे। अब इस जूते का जो बेल्ट है यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे, और ये बो टाइप रिबन को यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। सेम तरीके से दूसरे जूते को भी बना लेंगे। अब एक कॉटन ईयरबड की मदद से थोड़े थोड़े जगह में हम ग्लिटर को साफ कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। और जहाँ जहाँ हमने ग्लिटर को रिमूव किया है वहाँ पे ग्लू लगा के एक एक करके मोती चिपका देंगे। तो फ्रंट कम्प्लीट हो जाने के बाद जूते की साइड में भी हम मोती से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। बस इसी तरह से दूसरे जूते को भी डेकोरेट कर लेंगे, और ये रहा फाइनल लुक। गाइस, नेक्स्ट टैग में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि हम लड़कियां ब्लश कितना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब विदाउट ब्लश तो हम कहीं नहीं जाते। तो इसीलिए आज मेरे पास आया एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल नया लॉन्च किया है, NYBH का मूज ब्लश। मैं यहाँ पे जो शेड यूज कर रही हूँ वो है 03 पिंक ब्लॉसम। गाइस, इसका टेक्सचर देखो, बहुत क्रीमी है, कितना इजिली ब्लेंड हो रहा है। तो अभी मेरे पास मूज ब्लश का और दो शेड्स है, जिसमें से एक है 06 रेडिएंट रश। देखो गाइस, ये कलर भी कितना अच्छा है, कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है। तो मेरे पास इसका और एक जो शेड है वो है 01 रोज रोमांस। गाइस, इसका कलर भी देखो कितना अच्छा है, और बहुत एक नेचुरल फिनिश दे रहा है। और गाइस, मूज ब्लश के अलावा NYBH का ब्लश का और एक ऑप्शन है जो कि ट्यूब फॉर्म में आता है। तो चलो, मेरे पास इसका दोनों शेड है, एक है 01 मैरी मरून, सभी स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से मैच करेगा। तो हमारा नेक्स्ट जो शेड है वो है 06 रेडिएंट रेड। देखो गाइस, ये कलर भी कितना अच्छा है, कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है। सो गाइस, ये सारा प्रोडक्ट आपको बहुत इजीली purple.com पे मिल जाएगा, और आपको तो पता ही है कि purple पर हमेशा सेल चलता ही रहता है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक इट नाउ। मैंने तुझको देखा, तेरी ओर दिल फेंका, परी तू है बंटी, कह नहीं मुझका। मेरा माल भी गया और मेरा स्लीपर भी। और ये कितना नंबर स्लीपर था? 22। बस तू तो गई। यार, मैं घर नहीं जाऊंगी, घर गई तो मम्मी खल्लास। वैसे अब तो तू ऐसे घर नहीं जा सकती, एक काम कर, मेरा घर सामने ही है, तू मेरा घर चल। ठीक है। A few moments later. क्या होगा? Yeah! ये जीन से हो जाएगा। तो अपना फटा हुआ स्लीपर ले लो, और स्लीपर की जो बेल्ट है उसे रिमूव कर लो। अब पार्चमेंट पेपर के ऊपर इस स्लीपर को ऐसे रख दो, तो तीनों होल को ग्लू से ऐसे फिल अप कर देंगे। और फिर ले लेंगे एक पुराना जींस, और ऐसे पतले पतले स्ट्रोक में कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे दो पतले स्ट्रोक में कट कर लिया है। अब इसमें से एक को ले लेंगे। अब स्लीपर के दोनों साइड में हॉट ग्लू लगा के इस जींस के पीसेस को ऐसे सिक्योर कर देंगे। ऊपर हो जाने के बाद इसके नीचे और एक लगा देंगे, देखो बिल्कुल ऐसे। अब चुटकियों से दूसरे स्लीपर को भी सेम तरीके से बना लेंगे। मम्मा बाय। ओके बेटा, जल्दी घर लौटना। हाँ ठीक है। One hour later. ए, क्या सच में अंधी है क्या? क्यों? ऋतिक कब से
से तुझे देख रहा है और तू है कि खाम का फालतू का काम लेकर पड़ी है। अबे तो छोड़ नहीं है सर, तू भी ना चल पढ़ाई कर, सर एग्जाम लेगा। अरे मेरी दोस्त ये सब एग्जाम छोड़, एग्जाम होता है फेल करने के लिए। तो पहले अपना फटे हुए शू को ले लो और फिर जहाँ पे फट गए है उसके थोड़ा सा दूर से पेंसिल से ऐसे मार्क कर लो और फिर मार्क के अकॉर्डिंग कट कर लो। अब जूते को ऐसे घुमा के पीछे ऐसे हम अगेन मार्क कर लेंगे और मार्क के अकॉर्डिंग ऐसे कट कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे जूते को भी कर लेंगे। अब देखो पुराना फटे हुए शू से बन गया है ना स्टाइलिश शू। इसमें से कौन सा पहनू फैशन शो के लिए? ये और इसके साथ ये और ये। हाँ भाई 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 साइड में साइड में साइड में। हाँ भाई भाई एकदम सही क्लीन। ये उन्हें क्या कर दिया? मैंने देखा नहीं। एक्सक्यूज मी क्या देखा नहीं? तुझे पता था कि ये शो मैं फैशन शो में पहनने वाली हूँ। अबे इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा कर रही है तू? सुन तेरे लिए ये छोटी सी बात होता होगा पर मेरे लिए नहीं। ठीक कर अभी। मुझे नहीं पता इसे कैसे ठीक करते और वैसे भी गलती से हो गया है तो सुधार इसे ठीक करके ले। अब ठीक है। मम्मी देखो आपके बेटे ने मेरे ड्रेस शूज सब कुछ खराब कर दिया। बड़ी है ना बेटा थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख। सिर्फ मैं ही एडजस्ट करूँ और वो शरारती करते मेरे। अब मैं क्या करूंगी मम्मा? ड्रेस तो आराम से ठीक हो जाएगा पर ये शू कैसे ठीक करूँ? शू भी ठीक हो जाएगा। देखो हंटर वाला शो अगर ऐसे स्क्रंच हो जाए ना तो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। इसके लिए पहले ले लो एक सॉक्स, फिर सॉक्स को ऐसे फोल्ड करके शू के अंदर डाल दो। अब एक कॉटन क्लॉथ ले लो और शू के ऊपर ऐसे कवर कर दो। अब आयरन से आयरन कर लो। आयरन करने के बाद कॉटन के क्लॉथ को हटा दो और ये देखो जादू। देखा स्क्रंच बिल्कुल गायब हो गया। अब देखो डिफरेंस। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? ये शू क्राफ्टिंग आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना वीडियो को लाइक कर दो यार, वो तो फेक ही है ना। और शेयर कर दो, प्यार प्यार कमेंट करो और लास्ट में है तो सब्सक्राइब कर दो।